हेलो फ्रेंड। तो आज फ्रेंड हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड इंग्लिश वगैरह के जो कुछ क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, तो इस तरह के इंग्लिश के विकल्प में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एसएससी 2014 2013 इस सब में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस तरह के आप क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड हम लोग। और इसमें जितने भी राइट आंसर है फ्रेंड, तो उस पर टिक मारा हुआ है, तो जो इसके भी राइट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्द कोश के क्रम के अनुसार है, तो आप देख सकते हैं न्यूरोलॉजी और न्यूरोमैंसी, निपोलेस और न्यूरोफॉइल्स। इसमें जो राइट आंसर है फ्रेंड, यहाँ पे आपको देख रहे हैं सी नंबर है, तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर है। तो सी नंबर जैसे ये पे इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड, ये कैसे है। यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट में आई लिखेंगे, फिर सेकेंड में दो लाइन का है यानी दूसरा वाला नंबर, इसके बाद ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए चौथा नंबर है ना, आई भी यानी चौथा नंबर ये वाला, यानी इसको लिखने के बाद फिर इसको लिखने के बाद फिर ये वाला लिखेंगे, और फिर थर्ड, ये थर्ड वाला, फिर इस तरह से ये क्वेश्चन सारे करने हैं फ्रेंड। तो आप देख लीजिए सभी तरह इसी तरह क्वेश्चन है इसमें, जो इंग्लिश से रिलेटिव है, जो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फ्रेंड, तो आपको इस तरह से हल करना होगा फ्रेंड। इसमें जो इसके राइट आंसर हैं तो सबके टिक मारे हुए हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे आपको समझा दे रहा हूँ, इम्पैक्ट, सेकंड इम्पार्ट और इम्पोसिव और इम्प्रूव, ठीक है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, तो जैसे ऊपर मैं बताया हूँ, इस सेकेंड वाला पहले आ जाएगा। तो जब इसका आंसर आप बनाएंगे तो इस तरह का फर्स्ट ये जो मैचिंग में आएगा इसका क्रम में, तो क्रम पहला आएगा सेकेंड वाला, यानी कि पहले आप लिखेंगे इम्पैक्ट, इसके बाद देखिए फर्स्ट इम्पैक्ट, फिर इम्पोर्ट, फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ, अब इम्पोर्ट के बाद फोर्थ में क्या है इम्प्रूव, इसके बाद इम्प्रूव लिखेंगे, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या है थर्ड वाला इम्प्रोवाइज। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हल करना होगा फ्रेंड आपको। तो इस तरह देख लेंगे, तीन नंबर एडवांटेज, एडवेंचर और एडवेन एडवाइजर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लीजिए ये राइट आंसर है ए वाला है। तो इसी तरह से हम ऊपर वाले की तरह आप करेंगे इसको भी, जो फर्स्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर क्या है एडवेन, ठीक है ना। थर्ड नंबर एडवांस से चालू करेंगे, फिर सेकंड में आएंगे एडवांटेज आएगा, फिर थर्ड में आएंगे आप, थर्ड में क्या है सॉरी सेकंड वाला, सेकंड वाला एडवेंचर, और लास्ट में ये वाला एडवाइजर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन राइट होगा फ्रेंड, ये वाला इसका तीन नंबर का। इसी तरह देख लीजिए फ्रेंड सात नंबर, यहाँ ऊपर से भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिखा हुआ एम्ब्यूज और एम्ब्यूज और एम्बिग्यूटी और एनिमेशन, तो इसमें जो राइट आंसर है सी का, ये वाला राइट है फ्रेंड। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, सेम इसी तरह के जो क्वेश्चन है इस तरह आपको करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जैसे कि सी का अगर राइट आंसर है, तो ये देखिए थर्ड में पहले है, तो पहले लाइन में इसको क्रम में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये वाला सॉरी यहाँ पे दिख रहा है थर्ड नंबर एविग्यूटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड के बाद सेकंड है, तो सेकंड वाला लिखेंगे, ठीक है, ये वाला एम्बुलियर्स, और इसके बाद क्या है फर्स्ट वाला, इसके बाद तीसरे नंबर पे ये आपका आ जाएगा एम्बिट्यूस। तो ये इस तरह से क्रम बनेगा फ्रेंड, इस तरह फाइव वाला ये यहाँ पे, इसके बाद आपका फाइव वाला लिखा जाएगा एनिमल्स, और सबसे लास्ट में चौथा नंबर एनिमेशन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे फ्रेंड और हल करेंगे। इस तरह के इंग्लिश में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग आगे इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप अपने से इसको हल कर पाएंगे फ्रेंड। तो आप देख लीजिए, और यहाँ पे आप बहुत ही सिंपल है, आपको लॉजिक मैं बता दिया हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन जो राइट आंसर है सब पे टिक मारे हुए हैं। नाइन नंबर आप देख सकते हैं बाउंड राइट विंटर रोस्ट वर्केड, तो जैसे सी नंबर इसका सही है नाइन नंबर का।
तो सी नंबर आपको जैसे ऊपर वाला ही क्रम के हिसाब से ऑफसेट करेंगे, थर्ड में पहले लिखेंगे थर्ड वाला नंबर, यानी कि थर्ड नंबर क्या है वाइटर लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे, फिर सेकंड में पांचवा नंबर लिखेंगे, वर्कहेड लिखेंगे, फिर ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फोर वाला, तो फोर वाला नंबर यहाँ पे आपका फोर वाला नंबर लिखेंगे वर्ल्ड, यानी कि आप देख सकते हैं कि नंबर इस तरह से आपको सीरीज में क्रम में सेट करना है, जैसे कि यहाँ सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको और इसको अपने तरीके से इसको सेट करिए, और इसको एक बार आप लिख कर भी अगर कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, इससे रिवाइज हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्यूज एक्यूज और एक्वेरियम और एक्यूलाइन और एक्यूटिक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं किसका आंसर जो दिया हुआ है सी वाला। तो जो इसका क्रम बनाएंगे आप, तो यहाँ हुआ क्या है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लिखेंगे एक्वेरियम, फिर चौथा नंबर लिखेंगे एक्वाटिक, फिर यहाँ फर्स्ट नंबर लिखेंगे एक्यूज, फिर फोर्थ नंबर में आप लिखेंगे चौथे क्रम में थर्ड वाला ये एक्वालाइन, तो इस तरह से का क्रम बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी तरह आपको देख सकते हैं यहाँ पे सेम पांच नंबर का है, पांच का आपका सी नंबर राइट आंसर है फ्रेंड। इसी तरह देख सकते हैं टेन वाला दस वाला है, दस का जो राइट आंसर है बी वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अपने तरीके से एक बार राइट करके इसको सोल्यूशन बना लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे सिक्स नंबर दिखा है डिवाइड, ये सब दिया हुआ है, इसका छः नंबर का जो राइट आंसर है डी है, और यहाँ ग्यारह नंबर का राइट आंसर डी है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आ रहा होगा, ये देख लीजिए बारह नंबर का राइट आंसर सी है। तो आप देखिए जेनियस जूनिस और जेंडर, जेंटल और जनरल, तो इसको जो आप क्रम सेट करेंगे, तो पहला नंबर क्या है जीनियो है, तो इसको लिखेंगे, फिर सॉरी आपको यहाँ पे सी नंबर जो राइट आंसर है, सबसे पहले स्ट्रिंग जो स्टार्ट करेंगे जेंडर से स्टार्ट करेंगे आप, फिर सेकंड में लिखेंगे वी वाला जो जनरल है, फिर थर्ड में लिखेंगे आप ये थर्ड वाला जेंडर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना फ्रेंड, इस तरह यहाँ पे वही है सेम है, सबको क्रम में आपको सेट करना है। यहाँ भी देख लीजिए इस तरह का निम्नलिखित सबको संग्रह शब्द के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा चौथे स्थान पर आता है, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए इसका जो चौथे स्थान पे आएगा ये है रेनबाउ, तो इसका डी वाला जो राइट आंसर फ्रेंड। तो इस तरह क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे या इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में, तो आप इसको इस तरह से हल कर पाएंगे फ्रेंड। इसी तरह 24 नंबर का देख लें, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कैंपिंग अक्षरों का वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित रहेंगे, तो इसमें एक स्थान परिवर्तित रहेगा, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड और इसको अपने तरीके से एक बार रिवाइज करके रीड करके आप याद कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कलर वगैरह में पूछा जा चुका है पहले भी, तो इस तरह आप देख सकते हैं सब कोश में कोश का शब्द व्यवस्था चौथे स्थान पर आता है, तो वह है इसका राइट आंसर प्रोपाइन, तो आप प्रोपाइन को याद रखिएगा। इसी तरह 25 नंबर देखिए उपरोक्त व्यवस्था में बोल्ड आकार में दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में अक्षरों कितने जोड़े जिससे कि प्रत्येक के बीच उनमें उतने ही अक्षर आगे पीछे दोनों दिशाओं में अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच है, तो यहाँ पे देख लीजिए दो है इसका। तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ध्यान दे लीजिएगा और ये बोल्ड में दो आएगा इसका राइट आंसर, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड। 17 नंबर में आप देख सकते हैं अंग्रेजी शब्द के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आता है, तो ये देखिए सी वाला राइट आंसर है इसका। उसी तरह 27 नंबर वाला देख सकते हैं उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से छोटे सातवें अक्षर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये देखिए इसमें राइट आंसर है एक वाला, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। 30 जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसको इस तरह हल कर पाएंगे। सो इस तरह आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह कुछ अभी हम लोग सामने आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 27 नंबर उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से दूसरे छठे सातवें
अक्षर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? एक इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह 18 नंबर का देख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का व्युत्क्रम को लिखे जाए तो दाएं से 20 और बाएं से 21 अक्षर के ठीक मध्य में से आया अक्षर कौन सा आएगा? एम आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो आप इसको हल कर सकेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप देख लें, यदि उपरोक्त सभी ए से निकाल दिए जाएं तो व्यवस्था बाएं छोर से 11वें निम्न में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे यू है, तो एक बार इसको देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आप देख लें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, तो आप देख लें और अपने जरूरत के हिसाब से इसको एक बार ये पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। इन सभी के आंसर के जो भी आंसर राइट आंसर है उस पर टिक किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वंडर में लिखा हुआ है, शब्द वंडर में अक्षरों कितने जुड़े कि जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आगे और पीछे दिशाओं में जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हैं, तो तीन से अधिक। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। तो इसी तरह यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, ये 31 का 2 सी वाला आंसर राइट है। तो इन सभी में जो राइट आंसर है, मैथमेटिक अक्षर में कितने युग्म होते हैं? तो एक होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट में कितने अक्षर युग्म है, तो तीन से अधिक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड, बट इसको आप ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे वीडियो क्लोज होता है, समाप्त होता है फ्रेंड। सो आप एक बार इसको देख लें और रिवाइज कर लें फ्रेंड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने करके इस वीडियो का लाभ उठाने में दूसरे दोस्त को मदद करें फ्रेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।